हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। और जहां पर हमने कल का एपिसोड देखा यार, मुझे तो बहुत मजा आया। पर्सनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत मजा आया वहां पर सलमान खान ने पारस के टीम की जो जमकर लिए, जमकर उनको लताड़ा है, बहुत मजा आया देखकर। क्योंकि उनको ये सीख लगनी चाहिए थी, क्योंकि जो पारस का एटीट्यूड है वो बहुत ऊपर जा रहा है फिलहाल। तो इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स बताने जा रहा हूँ, फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज के एपिसोड में यानी संडे के एपिसोड में आपको इविक्शन नहीं देखने मिलेगा। दिवाली वीकेंड है और इस पर कोई भी इविक्शन नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने किए हुए वोट्स ऐसे ही जाएंगे। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले वीकेंड में आपको कम से कम तीन और मैक्स टू मैक्स चार एविक्शन देखने मिलेंगे। जबकि आपने कल देखा होगा कि 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज वहां पर घर के अंदर गई है, मतलब उनको घर के अंदर नहीं भेजा गया है, उनको एक सीक्रेट टाइप रूम में रखा गया है। और एक एंट्री आज होने वाली है केशरी लाल यादव जी की, और ये तीन एंट्रीज है। अब इनको घर में भेजेंगे या इनको देखकर इनसे कुछ लोगों को कम करके और अंदर कुछ लोग डालेंगे, ये तो फिलहाल पता नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वोटिंग ट्रेंड्स आए हैं उनके हिसाब से बॉटम के तीन या मैक्स टू मैक्स चार लोग घर से बेघर होने वाले है। तो फिलहाल मैं आपको वोटिंग ट्रेंड्स बता देता हूं। तो नंबर 1 पे है सिद्धार्थ शुक्ला, जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो उनके स्ट्रेटेजीज होती है। पिछले संडे में हमने ये देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला को वहां पर हर कोई पीछे बोलता है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला किसी के भी पीछे कुछ भी ऐसी बात नहीं करते है। इसकी वजह से उनको सराहा गया था और सिद्धार्थ शुक्ला इसी वजह से है नंबर 1 पे। सेकेंड नंबर पे कौन होगा? सेकेंड नंबर पे जंप मारी है वहां पर आसिम ने। जी हाँ, आसिम रियाज है नंबर 2 पे, जिन्होंने क्रॉस कर दिया है वहां पर रश्मि देसाई को। अगर देखा जाए तो रश्मि देसाई की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी चीज है वो सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ घर में कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और इसी वजह से रश्मि है फिलहाल नंबर 3 पर, जिनको अगर देखा जाए तो बिग बॉस सीजन शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा सपोर्ट था। नंबर 4 पर कौन होगा? नंबर 4 पर सीधे आ चुके हैं हमारे सलमान खान की फेवरेट, सभी की फेवरेट, पंजाब की कैटरीना। जी हाँ, शहनाज गिल। शहनाज गिल ने वहां पर नंबर 4 पे अपना स्पॉट बना लिया है और सना है नंबर 4 पे। नंबर 5 पर वहां पर है देवोलीना। देवोलीना की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ तो गलत ग्रुप के चक्कर में, गलत चीजें घर में करने की वजह से देवोलीना को कहीं ना कहीं इतने ज्यादा वोट्स नहीं मिल रहे हैं, और फिलहाल वो है नंबर 5 पे। नंबर 6 पर है पारस छाबरा। पारस छाबरा की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और इसी वजह से उनको अच्छे वोट्स मिलते हैं। स्प्लिट्स विला से लेकर आज तक उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, तो इसी वजह से नंबर 6 पर है पारस छाबरा। नंबर 7 पर वहां पर है आरती सिंह। जी हाँ, आरती सिंह ने थोड़ी सी जंप लगाकर ऊपर आ गई है, जो बहुत नीचे थी। माहिरा शर्मा, जिनको लोग बाहर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे है, क्योंकि जो भी चीजें वो घर में कर रही है पारस के साथ कर रही है, एक दूसरे के साथ वो जो चीजें मुंह से बोल रही है, गंदगी बोल रही है, तो इस वजह से माहिरा शर्मा को भी ज्यादा वोट्स नहीं मिल रहे हैं, और इस वजह से माहिरा है नंबर 8 पे। और माहिरा के बाद वहां पर नंबर 9 पर है शेफाली बग्गा। जी हाँ, न्यूज एंकर, जिनको बाहर इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पूरी ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पर लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। जो भी उन्होंने पिछले वीक में किया, इससे पहले भी किया था उनका एक, हमने देखा कि पहले टास्क में ऐसा हुआ था कि यार ये मैं करूंगी, ये मेरा स्टैंड रहेगा और मैं ही क्वीन बननी चाहिए, तब से लेके आज तक वो पब्लिक के नजर में अच्छी नहीं बन रही है। इस वजह से बहुत कम वोट्स वहां पर शेफाली बग्गा को मिल रहे हैं, और फिलहाल वो है नंबर 9 पे। और आखिरी पायदान पर कौन होगा, ये आप तो समझ ही चुके होंगे, हालांकि मैं ये रैंकिंग बताने से पहले आपको पता होगा कि 10 नंबर पे कौन होगा, और 10 नंबर पे है सिद्धार्थ डे। जी हाँ, सिद्धार्थ डे बिल्कुल भी वहां पर अच्छा कोई काम नहीं कर रहे। हमने जो भी देखा आज तक का सफर सिद्धार्थ डे का, तो सिद्धार्थ डे एकदम कंफर्म कंटेस्टेंट है घर से बेघर होने के लिए, और अगले हफ्ते में सिद्धार्थ डे घर से बाहर जाएंगे ही जाए, भले वो कितना ही शो को मसाला दे, लेकिन उनको घर से बेघर होना ही पड़ेगा। अब ये नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर में आने के बाद क्या हल्ला मचाएंगे, ये तो पता नहीं। लेकिन अब ये जो फिलहाल वोटिंग ट्रेंड्स है, इनमें ज्यादा कुछ बदल नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें कुछ बदल होता है तो मैं आपको बताऊंगा, और फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स भी मैं आपके पास लेकर आऊंगा। तो हमारे चैनल को फिलहाल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूंगा। तो देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।